किर्गिस्तान की पहाड़ियों में बसा एक गांव, जिसमें अब कोई पुरुष नहीं बचा है, यहां सिर्फ महिलाएं और बच्चे हैं। एयर काइरेंजा कुश्तार बेक रोज अपने पति को फोन लगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन नेटवर्क साथ नहीं देता। एयर काइरेंजा अकेले ही बच्चों की परवरिश करती हैं। उनके पति 3000 किलोमीटर दूर रूस में काम करते हैं, उन्हीं के भेजे पैसों से घर चलता है। इस तरह रहना कैसे अच्छा हो सकता है? कुछ अच्छा नहीं है। अगर सब कुछ सामान्य होता तो हम साथ रह रहे होते। बच्चे बड़े हो गए हैं, कितने साल उन्होंने बिना पिता के गुजारे हैं, सिर्फ फोन पर उनसे बात होती है। एयर काइरेंजा जैसा हाल ही इस इलाके में रहने वाले दूसरे लोगों का भी है। गरीबी के कारण यहां से 8 लाख पुरुष विदेशों में काम करने चले गए हैं। प्रवासी मजदूर हर साल 2 अरब यूरो अपने देश में भेजते हैं। इस पर किर्गिस्तान की अर्थव्यवस्था का काफी दारोमदार है। यहाँ रहना मुश्किल है, कोई काम नहीं है, बाजार भी बहुत दूर है, कुछ नहीं बेच सकते। यहाँ ज्यादा बच्चे होना आम बात है। बेबी आई बाइक 5 बच्चों में सबसे छोटी है। पिता ने सिर्फ उसे एक बार ही देखा है। आई काइरेंजा के पति 8 साल से विदेश में रहते हैं। दौलत बेग घर का सबसे बड़ा बच्चा है और पापा को बहुत मिस करता है। जब पापा हमारे साथ रहते थे तो हम पहाड़ियों में शिकार के लिए जाते थे और खेत में काम करते थे, सब कुछ साथ करते थे। और आखिरकार फोन लग ही गया और एक परिवार मिल गया, भले ही फोन पर सही। एयर काइरेंजा को बहुत सारी बातें करनी हैं, इसलिए अब उन्हें अकेला छोड़ दे।